छिंदवाड़ा में निर्वाचन शाखा के कार्यालय में बारिश का पानी टपकने से निर्वाचन अधिकारियों को काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कार्यालय में रखे सामान के भी खराब होने का डर बना हुआ है। परासिया जनपद में निर्वाचन शाखा में मतदाता सूची बनाने का काम चल रहा है। जनपद पंचायत परासिया में 91 पंचायतें आती हैं। इन पंचायतों की मतदाता सूची के सभी कार्य निर्वाचन शाखा में किए जा रहे हैं। निर्वाचन शाखा में पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि लगातार पानी गिरने से हॉल में स्लैब में पानी टपक रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर प्रिंटर रखे हुए हैं, जिनके खराब होने का डर हमेशा लगा रहता है। निर्वाचन शाखा के अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे अधिकारी पानी के बीच में काम करने पर मजबूर हैं। कर रहे हैं बैठ करके, पानी के टपकने के कारण बैठक की व्यवस्था हम 3 बार बदल चुके हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। अब देखो इसकी मरम्मत हो जाती है तो अच्छी बात है, बाकी काम करने में दिक्कत हो ही रही। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।